यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो कल फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, एंड तुमको याद हो तो उसका टीजर आज से ठीक 7-8 महीने पहले आया था 2 अक्टूबर को, एंड वो टीजर ज़्यादातर नॉर्मल ऑडियंस को पसंद आ ही गया था, लेकिन कुछ लोग उसको कार्टूनिस्ट शो, कार्टूनिस्ट मूवी, एनीमे बोल बोल कर ट्रोल करने लगे, एंड जिससे कि नॉर्मल ऑडियंस का ध्यान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, एंड सभी लोगों ने उसकी खूब जमकर खिंचाई करी। और ट्रेलर ठीक ठाक ही है, मैं इसको एवरेज ही बोलूँगा, ना कि ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एंड ना ही ज़्यादा बेकार, जिसको कि टीज़र के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। अगर टीज़र 10% था तो इसको 35% या 40% तक इम्प्रूव किया गया है, एंड ट्रेलर में ओम राउत खेल गए। मतलब जिन सीन्स को लेकर टीज़र को ट्रोल किया गया था वो सीन्स ट्रेलर के अंदर दिखाई नहीं गए, जिससे कि हमें पता चल सके कि मूवी कितनी इम्प्रूव हुई है या फिर कितने VFX को इम्प्रूव किया गया है, वो हमें कुछ नहीं पता चला। हमें ज़्यादातर ट्रेलर के अंदर उन्हीं चीज़ों को फोकस किया गया है जो रियल में, जो रियल कैरेक्टर्स हैं, ना कि हमें वानर सेना कुछ ज़्यादा दिखाया गया है, उनको भी वाइड एंगल से दिखाया गया है, जिससे कि हमें उनके अंदर मिस्टेक देखने का मौका ही नहीं मिले। एंड कुछ सीन्स मतलब काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, जो फील देते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में जो जंगल होता है वाला सीन, बरसात वाला सीन, सैफ अली खान का भिक्षान देही वाला सीन, ये हिरन वाला सीन, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं ये सीन्स। एंड वहीं पर जब प्रॉब्लम आ जाती है वो इसके मेन लीड एक्टर यानी प्रभास के अंदर ही आ जाती है। मतलब कहीं से भी आपको देखने पर लगेगा नहीं कि ये राम है, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो उनका, वो यहाँ पर भी बाहुबली बने पड़े हैं, उनके एक्सप्रेशन एंगर वाले हैं, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये राम है। एंड यहाँ पर ना ही आपको सैफ अली खान दिखाए गए, सिर्फ लास्ट में उनको उनका एक बैक शॉट दिखाया गया, ना ही हमें सोने की लंका दिखाई गई, ये कुछ सीन्स दिखाए गए लास्ट की फाइट के, वो भी बहुत जल्दी जल्दी, जिससे कि कुछ पता नहीं चल सके। एंड अब अगर हमें इनको देखना है तो हमें मूवी ही देखनी पड़ेगी। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।